टॉर्क, आरपीएम, ब्रेक हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ऐसे टर्म्स को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। और जनरली हम जब गाड़ी परचेज करने के लिए जाते हैं तो इन टर्म्स को लेकर के और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके के स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट वीडियो को रखेंगे ताकि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा सकूँ कि टॉर्क क्या है, आरपीएम क्या है, BHP और HP क्या है। जनरली BHP और HP लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इस वीडियो में पूरा का पूरा जो डाउट्स है आपका बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क क्या है? टॉर्क बेसिकली अगर हम जनरली टर्म्स में बात करें, साइंटिफिक टर्म्स में बात करें, तो इट्स अ ट्विस्टिंग फोर्स। कि किसी भी बोल्ट को, किसी भी शाफ्ट को, किसी भी सिलेंड्रिकल शाफ्ट को अगर हम ट्विस्ट कराने के लिए जितना फोर्स लगाते हैं, दैट इज नोन एज टॉर्क। लेकिन अगर ये तो हम बात करें साइंटिफिक लैंग्वेज में हमने बात करी है, लेकिन एक्चुअली में टॉर्क है क्या? टॉर्क दोस्तों किसी भी चीज को, सपोज ये हमारा हाथ है, ये हत्था है, इसको घुमाने के लिए जितना फोर्स लगाने की जरूरत होगी, इसको ट्विस्ट करने के लिए जितनी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नोन एज टॉर्क। और आसान भाषा में एक और लाइन एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। सपोज ये हमारा एक बोल्ट है, इस बोल्ट को ओपन करने के लिए हमें स्पैनर की रिक्वायरमेंट होगी। इस स्पैनर के थ्रू इस बोल्ट पे जितना हम फोर्स लगा सकते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज टॉर्क, दैट ट्विस्टिंग फोर्स इज नोन एज टॉर्क। अब टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं? टॉर्क कैन बी सिंपली कैलकुलेट एज अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को हम एक सिंपल से फॉर्मूला से हम कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज फोर्स मल्टीप्लीकेशन इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो फोर्स कौन सा है? सपोज इस बोल्ट को हमें ओपन करना है, हमने ये स्पैनर लिया, इसको ओपन करने के लिए हमने फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स हमने हाथ से लगाया, ये फोर्स, दैट फोर्स, और ये जो डिस्टेंस है जिस टूल्स का यूज करेंगे ओपन करने के लिए, इसको ट्विस्ट करने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए, वो डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। इस केस में हमारा क्या होगा? ये जो हाथ से हमने जो फोर्स लगाया, ये जो हाथ से हमने जो फोर्स लगाया और ये जो स्पैनर की जो डिस्टेंस है, ये मल्टीप्लाई होगी, तो हम इजीली टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? जनरली टॉर्क को हम, जैसे मैंने डिफाइन किया कि फोर्स गुना डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन होता है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो सिंपली टॉर्क का जो यूनिट होगा, दैट इज न्यूटन मीटर। तो आई होप आपको ये टॉर्क के बारे में समझ में आया होगा। तो सिंपली यू कैन, आपको क्या है? ट्विस्टिंग फोर्स है। किसी भी चीज को ट्विस्ट करने के लिए जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। बात करते हैं आरपीएम की। आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। ऑटोमोबाइल टर्म के बारे में, टर्म में अगर बात करें तो आरपीएम में लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो टायर की जो रोटेशन है हम उसको काउंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आरपीएम जो होता है वो क्रैंक, जो इंजन के अंदर क्रैंक होती है, क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंक की रोटेशन को हम आरपीएम एज ए कैलकुलेट करते हैं। अगर आप गाड़ी के डैशबोर्ड पर देखें तो डैशबोर्ड पे क्लस्टर के ऊपर आरपीएम शो करता है। जो आरपीएम वो शो करता है, वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट की आरपीएम को शो करता है। तो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको टॉर्क एंड आरपीएम के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम पीएचपी और एचपी की। हॉर्स पावर क्या है? जनरली हम बात करें हॉर्स पावर की, तो हॉर्स पावर क्या है? किसी भी गाड़ी की स्पीड को डिफाइन करता है कि कोई सी भी गाड़ी कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसे हम बीएचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। सपोज किसी गाड़ी की 25 बीएचपी है, 25 बीएचपी है, 30 बीएचपी है, वो उसकी स्पीड को डिफाइन करता है कि वो गाड़ी के पास उतनी स्पीड है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली और साइंटिफिकली अगर इसे डिफाइन करना चाहें बीएचपी को, तो जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो पावर जनरेट हो रहा है, जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो पावर मिल रहा है, यानी अगर हम देखें इंजन के अंदर, तो जो पावर वहाँ पे पावर स्ट्रोक में जो स्पार्किंग होती है, इंजेक्शन होता है, और वहाँ पे पावर होता है ब्लास्ट होने की वजह से, कम्बसन होने की वजह से जो पावर जनरेट होता है, और वो पावर कहाँ ट्रांसफर होता है? क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। तो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो पावर हमें मिल रही है, दैट पावर इज नोन एज ब्रेक हॉर्स पावर। उस पावर को हम ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। लेकिन अगर हम एचपी की बात करें, हॉर्स पावर की बात करें, तो जो टायर के ऊपर जो पावर मिलता है, उसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम बात करेंगे डिफरेंस की, कि बीएचपी और एचपी में डिफरेंस क्या है। बीएचपी हमें कहाँ मिल रहा है? क्रैंक के ऊपर मिल रहा है, ऑन द क्रैंक पावर जो है वो हमारा बीएचपी है।
लेकिन भी लेकिन क्रैंक से लेकर के व्हील तक आने में ट्रांसमिशन सिस्टम्स होकर के आना होता है, बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं, शाफ्ट होते हैं, डिफरेंशियल्स होते हैं बीच में, तो उन लिंकेजेस के बीच क्या होता है, पावर के लॉसेस होते हैं। उन पावर के लॉसेस को हटाने के बाद सब्स्टिट्यूट करने घटाने के बाद जो पावर एग्जैक्टली जो टायर पे मिल रहा है, जो व्हील्स पे मिल रहा है, जो मूव करा रहा है व्हीकल को, उस पावर को हम हॉर्स पावर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें किसी व्हीकल की, अगर पावर बीएचपी मान लो 25 वाट है, इसका मीन्स कि अगर तो उसका एक्चुअल एचपी कितना होगा, 23-22, कुछ लॉसेस में जाएंगे। अब प्रैक्टिकल टर्म में अगर हम बात करें, सपोज इस ट्रक के बारे में बात करें, ट्रक का इंजन काफ़ी हेवी होता है लेकिन उसकी स्पीड नहीं होती, लेकिन उसके पास क्या होता है, वो बहुत सारे लगेज को कैरी करता है। तो नंबर वन, अगर टॉर्क जिसका ज़्यादा है, उसकी करंट, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होगी, जो सामान ढोने की जो कैपेसिटी है, लगेज पैसेंजर को जो डालने की, भर भर के ले जाने की जो कैपेसिटी है, उसमें ज़्यादा होती है, यानी जिसकी जो टॉर्क ज़्यादा होगी, यानी उसकी कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, सामान लगेज को कैरी करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन स्पीड के केस में स्पीड उसकी ज़्यादा होगी जिसका हॉर्स पावर ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें फोर व्हीलर्स के केस में, अगर हम बात करें तो एक एक ले लेते हैं हम, जो पर्सनल पर्पस हम यूज कर रहे हैं, होंडा का कोई गाड़ी ले लेते हैं, सेडान मॉडल जो कोई सा भी ले लें, और एक हम ले लें पिकअप का ले, दोनों फोर व्हीलर्स हैं, लेकिन दोनों की अगर हम बात करें टॉर्क और बीएचपी में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें सेडान के केस में, तो इसकी टॉर्क कम होती है और बीएचपी ज़्यादा होता है, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसमें मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं सेडान मॉडल में, 4 से 5 लोग मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं रख सकते, यानी इसमें आपको कैरिंग कैपेसिटी का कंडीशन नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को स्पीड चाहिए एक लिमिटेड लोड के साथ। लेकिन अगर हम बात करें टॉर्क के केस में, जो पिकअप है उसमें क्या है, उसमें आपको कैरिंग कैपेसिटी चाहिए, लोड कैरी करने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टॉर्क का क्या मतलब है, बीएचपी का मतलब क्या है, एचपी का मतलब क्या है, और आरपीएम का मतलब क्या है। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।